मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें आज के जो टॉपिक है वो है एथेन अणु के संरूप या फिर एथेन 1.2 के प्रतिस्थापी संरूप। तो इसमें हम जो मेरे 1.2 प्रतिस्थापी होगा वो होगा क्लोरीन, जिसमें हम बात करेंगे कि एथिलीन डाइक्लोराइड की। तो एथिलीन डाइक्लोराइड के जो समरूप बनते हैं उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि उसमें कितने स्टेगर्ड फॉर्म बनेंगे, कितने एसक्यू फॉर्म बनेंगे और कितने इक्लिप्स जो है इक्लिप्स फॉर्म बनते हैं, तो उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम एथेन के 1.2 प्रतिस्थापियों के स्वरूप, जिसमें एथिलीन डाइक्लोराइड। तो जो एथेन के 1.2 प्रतिस्थापी है, तो 1.2 पर क्या जुड़ा होगा, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर इसमें एथिलीन डाइक्लोराइड। तो इसको देखते हैं कि जो एथिलीन डाइक्लोराइड होता है तो उसका जो है हम साइकिल के रूप में जब उसे हम एक रोटेट कराते हैं, तो उसका अध्ययन किसने किया था, वर्न स्टीन ने 1949 के अनुसार एथिलीन डाइक्लोराइड के विभिन्न समरूप बा डाइहेड्रल कोण के परिवर्तन के फलस्वरूप स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन निम्न चित्र द्वारा समझाया गया है। तो जो हमारे यहाँ पर एथिलीन डाइक्लोराइड है उसके यहाँ पर जो चित्र है ये वाले जो कि हमारे किस कैसे हैं जो है समरूप है ये, और कैसे हैं ये डाइहेड्रल कोण के आधार पर। तो डाइहेड्रल कोण क्या है कि एक पार्ट को हम यहाँ पर फिक्स रखेंगे और अगले पार्ट को हम क्या मूविंग कराएंगे, तो क्या होगा, तो यहाँ हम इस फिगर के माध्यम से फिगर नंबर ए जो है पूरा उसके माध्यम से इसको हम समझेंगे कि एथिलीन डाइक्लोराइड में किस तरह यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है। शुरुआत करते हैं यहाँ पर सबसे पहले जो ये जो है हमारा एथिलीन डाइक्लोराइड की पूरी संरचना है, जिसमें शुरुआत करते हैं कि ये जो हमारा एक कोई एथिलीन डाइक्लोराइड का सूत्र होता है C2H4Cl2, तो वहां पर ये जो पहली संरचना है उसमें जब 0 डिग्री पर इसे रोटेट कराएंगे या 0 डिग्री पर ये जब होता है तो उसकी ये वाली संरचना बनती है, और 360 डिग्री पर जब रोटेट होता है तब भी इसकी यही वाली संरचना बनती है। ये जो संरचना होती है वो फुल्ली इक्लिप्स्ड होती है, पूर्ण ग्रसित होती है, ये पूर्णता घूमी हुई या फिर शुरुआत में जितना रोटेट होता है उतनी यहाँ पर होती है, इसे बोलेंगे पूर्ण ग्रसित या फुल्ली इक्लिप्स्ड। तो ये 0 डिग्री और 360 डिग्री पर सेम पोजीशन इसकी होती है। तो यहाँ पर इस राउंड पे देखते हैं कि जो एथिलीन डाइक्लोराइड होता है उसमें जो है CH2Cl और CH2Cl के यहां पर हम लिख के देख रहे हैं CH2Cl, ये एक संरचना है, ये फॉर्मूला है एथिलीन डाइक्लोराइड का, जिसमें इस जो CH2Cl है उसको हम एक राउंड में लेंगे और इसको एक राउंड में जब लेते हैं अब क्या करते हैं, ये कार्बन जो है वो सेंट्रल एटम है CH2Cl से जुड़ा हुआ, और इधर जो H2Cl है उसका सेंट्रल कार्बन ये है, तो इसको जो एक राउंड में लिया हमने तो एक CH2Cl को हमने फिक्स रखा हुआ है यहाँ पर, जो कि भी हम डार्क लाइन से रिप्रेजेंट किया है पूरा, तो वो फिक्स है, और जो दूसरा हमारा CH2Cl है जस्ट उसके पीछे है उसको हमने डॉटेड लाइन से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है।
इसको हमने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है और एक सेट टू सीरियल को हमने डार्क लाइन से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है जो कि एकदम सभी फिगर में फिक्स है। सिर्फ जो पीछे वाला हमारा सेट टू सीरियल है उसको ही हम रोटेट कराएंगे। तो यहां पर जब सेट टू सीरियल एक फिक्स है और दूसरा सेट टू सीरियल को हम मूविंग कराएंगे, यहां पर ये जीरो डिग्री पर और 360 डिग्री पर पोजीशन होगी तो उसकी पोजीशन सेम रहेगी ये वाली। तो यहां पर इस पोजीशन को हम बोलेंगे फुल्ली इक्लिप्स्ड। अब हम बात करते हैं इसको सापेक्ष मानकर हम यहां से जब दूसरा फिगर बनाएंगे इसको हम 60 डिग्री पर रोटेट कराते हैं, इसको फिक्स माना और ये जो पीछे वाला है उसको हमने 60 डिग्री पर घुमाया। तो यहां से ये जो हाइड्रोजन है वो यहां पर बीच वाले में इस तरह आ जाएगा। तो ये अगली कंडीशन ये बनी, ये हाइड्रोजन यहां पर आ गया और ये सीएल इस पोजीशन पर आ गया, ये जो एच है वो यहां पर, तो ये वाली पोजीशन यहां पर बनती है। तो जीरो से 60 डिग्री पर जब रोटेट कराया तो ये वाली पोजीशन बनी जिसको हम बोलते हैं स्क्यू आर गौची फार्म, स्क्यू आर गौची फार्म बोलते हैं इसको। तो ये पोजीशन बनी, इसको सापेक्ष मानकर यहां से इसको 60 डिग्री और हम रोटेट कराते हैं तो ये जो हाइड्रोजन है वो यहां से उठकर इस यहां पर आएगा, ये सीएल उठकर यहां आएगा और ये जो एच है वो यहां आएगा। तो अगली कंडीशन इस तरह बनेगी। तो ये इस पोजीशन से 120 पर रोटेट हुआ किंतु यहां से ये 60 डिग्री पर रोटेट कराकर 120 डिग्री पर ये वाली फार्म बनी। तो इसको बोलते हैं इक्लिप्स फार्म, ये इक्लिप्स फार्म हुई जो कि ग्रसित फार्म है, ये पूर्णता ग्रसित थी, ये स्क्यू आर गौची थी, ये ओनली ग्रसित है। तो इसको सापेक्ष मानकर 60 डिग्री और हम रोटेट कराते हैं तो ये जो हाइड्रोजन है वो यहां पर आएगा, ये सीएल जो है यहां पर आएगा, ये जो हमारा एच है वो यहां पर आएगा। तो अगली पोजीशन ये वाली बनी जो कि 180 डिग्री है और इसकी मैक्सिमम दूरी होती है, इस पोजीशन को हम बोलते हैं स्टेगर्ड फॉर्म। यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में या हाइड्रोजन हाइड्रोजन या हाइड्रोजन सीएल के बीच में मैक्सिमम दूरी होती है, इसलिए इसको स्टेगर्ड फॉर्म कहते हैं। तो यहां से इस पोजीशन को हम 60 डिग्री पर रोटेट कराते हैं किंतु जहां से शुरुआत की वहां से इसको 180 डिग्री पर रोटेट हो चुका है ये। तो ये कंडीशन बनी, यहां पर जब हम इसको अगली पोजीशन 60 डिग्री पर जब रोटेट कराएंगे तो ये जो हाइड्रोजन है वो यहां आएगा और ये हाइड्रोजन यहां पहुंचेगा, ये सीएल जो है यहां पर आएगा। तो अगली गई जो पोजीशन इसकी बनती है वो ये है जो कि इक्लिप्स फॉर्म है और 240 डिग्री पर ये रोटेट हो चुका है, यहां से 60 डिग्री पर रोटेट कराया किंतु फर्स्ट फॉर्म से ये 240 डिग्री पर रोटेट हो चुका है। तो ये ग्रसित फॉर्म बनी। अगली कंडीशन हम कह देखते हैं यहां पर कि 240 डिग्री से हम 60 डिग्री और रोटेट कराते हैं तो ये जो सीएल है वो यहां पर आएगा, ये एच है वो यहां, ये वाला एच यहां पर। तो अगली पोजीशन इस तरह बनती है और ये 300 डिग्री पर रोटेट हो चुका है और ये 300 डिग्री पर रोटेट हुआ तो इसको भी हम स्क्यू आर गौची फॉर्म कहेंगे। और इससे अगली जो हम क्या नाम रोटेट कराएंगे 60 डिग्री पर तो हमारी यही वाली फॉर्म बनेगी जो कि 0 डिग्री और 360 डिग्री पर दोनों की सेम होती है। तो इस तरह ये जो हमारा, क्योंकि जो सर्किल का पूरा एंगल होता है 360 डिग्री पर हम रोटेट करा सकते हैं। तो ये जो सीएल को अगर सापेक्ष माने तो ये यहां पर आया, उसके बाद फिर ये यहां पर आया, देखते जाएंगे इस तरह सीएल को देखकर ये यहां आया और फिर इस तरह, तो 360 डिग्री पर ये रोटेट हो चुका है।
300 डिग्री पे हुआ तो ये अगले 360 डिग्री कराएंगे तो ये फिर से यही आ जाएगा, पर सेम पोजिशन पे ये वाले, तो इसकी ये पोजिशन बनती है। तो इस तरह एथिलीन डाइक्लोराइड का जो डायहेड्रल एंगल के आधार पर 360 डिग्री पर इस तरह जब रोटेट कराया तो उसकी कई फार्म हमें प्राप्त हुई। पहली फार्म फुल्ली इक्लिप्स्ड और लास्ट फार्म भी फुल्ली इक्लिप्स्ड है। सेकंड फार्म है इसकी स्क्वायर गोची। थर्ड फार्म है इक्लिप्स्ड या ग्रसित। और जो है फोर्थ फार्म है इसकी स्टेगर्ड या जो है वितरित फार्म, और ये भी ग्रसित है इक्लिप्स फार्म फिफ्थ वाली। और सिक्स फार्म है स्क्वायर गोची फार्म। तो स्क्यू सेकेंड और सिक्स जो है स्क्वायर गोची फार्म होती है, और थर्ड और फिफ्थ भी इक्लिप्स फार्म होती है। स्टेगर्ड फार्म सिग्नल होती है जो कि इसकी मैक्सिमम दूरी होती है और मैक्सिमम इसकी ऊर्जा भी होती है। जो फिगर ए है पूरा उसको हम एक ग्राफ के माध्यम से यहाँ पर देखते हैं कि इसे हम, और ये फिगर नंबर बी है कि इनका जो ग्राफ है और इसकी किलो कैलोरी मोल में प्रति मोल में कितनी ऊर्जा होती है उसको हम इस फिगर के माध्यम से देखते हैं। तो सबसे पहले जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पे हमने डायहेड्रल जो एंगल है उसको हमने लिख रखा है, और जो वर्टिकल लाइन है वो है हमारी पोटेंशियल एनर्जी या स्थिति ऊर्जा। तो जहां से शुरुआत करते हैं जीरो जो कि एक फुल्ली इक्लिप्स्ड है जीरो वाला, तो यहां शुरुआत किया, यहां 60 डिग्री रोटेट कराया तो कौन सा फार्म बनी थी, ये गोची फार्म। तो ये सेकंड वाला है गोची जो कि हमने 60 डिग्री पर रोटेट कराया है। यहां से इसको हमने 60 डिग्री पर रोटेट कराया तो कौन सा फार्म बनी, इक्लिप्स फार्म। तीसरी पोजिशन कौन सी है, इक्लिप्स फार्म हुई जो। और यहां से क्या हुआ कि जब हम 60 डिग्री और रोटेट कराया हमने तो स्टेगर्ड फार्म बनी जिसकी मैक्सिमम दूरी है, ये देखिए इस लाइन के ऊपर है, यहाँ पर 1.1 किलो कैलोरी की ये वाली लाइन है, और ये वाली लाइन 2.8 किलो कैलोरी, और लास्ट में 4.5 किलो कैलोरी यहाँ पर आएगा अभी देखेंगे। तो यहाँ से 180 डिग्री पर इसे रोटेट कराएंगे तो ये स्टेगर्ड फार्म बना, और यहाँ से 60 डिग्री फिर रोटेट कराया तो ये इक्लिप्स फार्म बना जो कि ये वाली है 240 डिग्री पर, 240 पे ये आया। और लास्ट में जो यहां से 60 डिग्री पर रोटेट कराया हमने छठा वाला जो कि गोची फार्म या इसकी फार्म है, और यहां से फिर 60 डिग्री पे हुआ तो ये फुल्ली इक्लिप्स फार्म बने। तो यहां पर हमने देखा ये जो सिक्स फार्म है वो गोची फार्म थी, और इससे 60 डिग्री रोटेट कराते हैं तो ये फुल्ली इक्लिप्स बनता है जिसकी 4.5 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। तो इस फिगर से माध्यम से भी हमने देखा कि 0 डिग्री 60 डिग्री पर 120 डिग्री 180 डिग्री 240 डिग्री 300 डिग्री और 360 डिग्री पर इसे हमने जो रोटेट कराया तो उसका ये एक ग्राफ हमें प्राप्त हुआ। आगे हम देखते हैं कि ये जो फिगर है वो क्या है, 1.2 डाई प्रतिस्थापी एथेन अण में संरूपण परिवर्तन के लिए स्थिति ऊर्जा चित्र बी। और इसमें क्या है, सनरूफ फर्स्ट, जो सनरूफ फर्स्ट है इसका पूर्णता ग्रसित व अस्थाई है, इसका फर्स्ट जो है वो पूर्णता मतलब की ग्रसित है और अस्थाई होता है। सनरूफ सेकेंड और जो सिक्स होता है ये सेकेंड है, और ये जो सिक्स है वो क्या है, तुल्य गोच व इसको रूप होता है। और यहाँ पर ये वाला देखते हैं सनरूफ थ्री और फाइव, मतलब कि इक्लिप्स ये भी है इक्लिप्स ये भी है, तो फाइव जो है तुल्य व ग्रसित होता है। और सनरूफ फाइव देखते हैं वो सॉरी जो है हाँ फाइव वितरित अधिक बनी, ये जो पांच वाला होता है एक जो फाइव है वितरित अधिक बनीता वाला सर्वाधिक स्थायी रूप होता है यहाँ पर। तो ये जो है इसी तरह हमने देखा यहाँ पर कि फुल्ली इक्लिप्स स्क्यू गोची फार्म इक्लिप्स स्टेगर्ड और इक्लिप्स स्क्यू और गोची फार्म, इस तरह
हमने फिगर ए और फिगर बी से जो है एथेन या एथिलीन डाइक्लोराइड अणु का हमने स्वरूप का अध्ययन किया। तो इस तरह हमने एथेन के 1.2 प्रतिस्थापियों के स्वरूप जैसे कि एथिलीन डाइक्लोराइड का आज हमने अध्ययन किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।